गाइस कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी खास होने वाली, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करेंगे बिना किसी वेस्ट के टाइम पे। तो जैसे कि आपने आज कल काफ़ी एक चर्चा मूवी के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे, काफ़ी खास मूवी है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, और क्योंकि उसका हिंदी वर्जन भी आने वाला है तो काफ़ी एक्साइटमेंट लोगों के मन में है, क्योंकि इस मूवी की जो खासियत है किसी लोगों को नहीं पता। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है ये मूवी। जहां बॉलीवुड में 200-300 करोड़ रुपए की मूवियां बनाई जाती हैं, उसके बावजूद भी वो मूवियां फ्लॉप हो जाती हैं, कॉपी पेस्ट हो जाता है, मीन्स की कॉपी करी उठाया और बना दी। तो जहां और बॉलीवुड और कन्नड़ मूवी साउथ मूवी में जो फ़र्क है ना, वो सर जी बस इसी बात का है कि वो बनाते हैं प्रेस कॉन्टेंट जो कि लोगों के मन में उतर जाता है, करेक्टर उतर जाते हैं, वो काफ़ी फ्रेश कॉन्टेक्ट होता है जो कि मूवी के नाम पर एक छाप छोड़ जाता है। और जहां बॉलीवुड की बात करें तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, 500 करोड़ रुपए के कार्टून वाली मूवियां बना रहे हैं जिन्हें VFX के बारे में जिसका वी भी नहीं पता है, अब वो क्या करें। अब जहां एक कन्नड़ मूवी बनती है 15 करोड़ के बजट में और आराम से 70-80 करोड़ रुपये कमा लेती है, तो काबिल तारीफ वाली बातें हैं इन मूवियों के बारे में। तो मैं आज आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जी, काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कौन सी मूवी। जैसे कि काफ़ी लोगों को आजकल सुनने को मिल रहा हुआ एक कन्नड़ मूवी के बारे में जिसका नाम है कंटारा, जो कि कन्नड़ इंडस्ट्री की बहुत फेमस मूवी हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 9.8, जो कि काबिल तारीफ है। क्योंकि काफ़ी कम मूवियाँ ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि फ्रेश कॉन्टेंट होता है, कुछ नया कॉन्टेंट होता है। जब हम छोटे हुआ करते थे, नाना नानी की कहानियाँ जो होती थी, उस कहानियों को मिक्सचर करके जो इस मूवी में डाला गया है ना, काबिल तारीफ है। इस मूवी को देखने के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, मींस ये कन्नड़ में उपलब्ध है, आप कन्नड़ आती है तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर जब हिंदी वर्जन में आएगी तो काफ़ी मूवी और पैसा कमाएगी और अंधा पैसा कमाएगी। और इसकी मूवी के जो स्टोरी लाइनअप है, जो कैरेक्टर है, जो एक्टिंग है ना, वो काबिल तारीफ है। इस मूवी की जो सबसे खास बात है वो यही है, जो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है ऋषभ शेट्टी, वो काबिल तारीफ है उनकी एक्टिंग, क्योंकि वो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं और इसी मूवी में उन्होंने एक्टिंग भी करी है। लीड रोल उन्हीं का है जिसका नाम है शिवा। हाँ जी, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी नज़र आपके फ़ोन से, मोबाइल से, स्क्रीन से हट नहीं सकती है, आप पूरी मूवी देख के ही उठेंगे। तो छोटी सी लाइनों में मैं इस मूवी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये मूवी खास क्यों है, क्यों खास बनाती है, क्या चीज़ें हैं जो इस मूवी को काफ़ी खास बना रही हैं, और जो 15 करोड़ के बजट में होने के बावजूद भी 70-80 करोड़ रुपए का बजट कलेक्शन कर लेती है, तो काफ़ी काबिल तारीफ वाली बातें हैं। तो मैं आज आपको छोटी सी लाइन में इस मूवी के आपको रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि ये मूवी क्यों खास है। स्टार्टिंग होती है स्टोरी की जब एक राजा होता है, 1847 की बात होती है, काफ़ी अमीर राजा होता है, काफ़ी पैसा होता है उसके पास, हर चीज़ होती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, कमी होती है तो सिर्फ पीस की। पीस मीन्स के उसे संतुष्टि नहीं होती है, वो संतुष्ट नहीं हो पाता है किसी चीज़ों से, वो उस चक्कर में काफ़ी परेशान रहता है। तो वो उसको सही करने के लिए काफ़ी मंदिरों में जाता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिरों में जाता है, घूमता है, मगर उसको वो पीस नहीं मिल पाता। जब वो सारा हरा थका हारा वापस अपने घर को जा रहा होता है, तो रास्ते में उसको एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक गांव से आ रही होती है। वो उस चिल्लाने की आवाज़ का पीछा करते करते उस गांव तक पहुंच जाता है, जो कि उसके ही एरिए का गांव होता है, मीन्स के जहाँ उसकी ज़मीनें होती हैं वहाँ का ही गाँव होता है। तो वो वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी देखता है, तो वहाँ पर ना वहाँ के डैमी गोड अपना कर्तव्य दिखा रहे होते हैं जिनकी वो आवाज़ होती है। तो वो उस आवाज़ से काफ़ी प्रसन्न होता है, उसको काफ़ी वो आवाज़ पीस दिलाती है, संतुष्टि दिलाती है, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मेरे को ये आवाज़ चाहिए, मीन्स मैं जिसकी आवाज़ है वो मेरे साथ चले। तो वो डैमी गोड की आवाज़ होती है, तो डैमी गोड कहते हैं कि हाँ मैं आपके साथ चल सकता हूँ राजा जी, मगर मुझे मेरी एक शर्त है कि आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। तो राजा जी कहते हैं हाँ जी बताइए आपकी क्या शर्त हो सकती है। तो वो डैमी गोड बताते हैं कि मैं चिल्लाऊंगा जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, वो एरिए का क्षेत्रफल मेरे गांव के लोगों को आप दे देंगे, जो कि गांव के लोगों को रहने में काफ़ी आसानी होगी। तो राजा मान जाते हैं, जो डैमी गोड होते हैं वो अपने गांव के काफ़ी प्रसिद्ध गोड होते हैं, मीन्स के वो अपने गाँव के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, काफ़ी अपने गाँव को मानते हैं, गाँव के लोगों को मानते हैं। तो राजा उस चीज़ की शर्त को मंजूर कर लेता है, तो डैमी गोड राजा के साथ चल देते हैं।
और गांव के लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो इस चीज़ में क्या होता है, जब आगे की जनरेशन बढ़ती है तो फिर 80-70 के बाद की स्टोरी दिखाई देती है, जहां वो राजा थे वो राजा नहीं रहे होते, उनके वंशज आगे अपना टेक ओवर कर लेते हैं। अब उसी में वंशज में एक बंदा होता है जो कि उसी गांव में जाता है, उन लोगों को बोलता है कि ये ज़मीन मेरी है और इस ज़मीन को मैं लेना चाहता हूँ। मैं स्टोरी आपको बिल्कुल साफ तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जो राजा के नए वंशज होते हैं वो जाते हैं गांव में और जाके बोलते हैं कि ये ज़मीन मेरी है और मुझे पता है ये ज़मीन कैसे मुझे वापस लेनी है, आपने जिस तरीके से ली मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ना आप किसी डेमीगॉड को मानता ना कुछ। वो ये चीज़ें बोल देता है तो डेमीगॉड वहाँ पे आ जाते हैं। डेमीगॉड बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप ये ज़मीन ले लोगे तो मैंने जो इतने सालों तक आपको पीस दी है, पीस मीन्स मैंने इतने सालों तक जो आपके परिवार में संतुष्टि बना के रखी है वो मैं आपसे छीन लूँगा। वो कहता है मैं इस चीज़ों को नहीं मानता, मैं इस ज़मीन को लीगली तरीके से लेके दिखाऊंगा। वो कोर्ट की धमकी देता है तो डेमीगॉड कहते हैं तू कोर्ट तक नहीं जा पाएगा, तेरी कोर्ट पे सीढ़ी पे पैर रखने से पहले ही तेरी डेथ हो जाएगी। तो जैसा कि डेमीगॉड जो चीज़ बोलते हैं वो वैसा ही होता है, जब वो कोर्ट जा रहा होता है तो सीढ़ी पर ही उसकी डेथ हो जाती है। स्टोरी बहुत आगे बढ़ती है, फिर एक नया किरदार जन्म लेता है शिवा। शिवा जब जन्म लेता है, शिवा के जो फादर होते हैं वो डेमी गॉड होते हैं, उनके अंदर डेमी गॉड होते हैं, तो वो कर्तव्य कर रहे होते हैं और वो चीखते चीखते फॉरेस्ट की तरफ भाग रहे होते हैं और फॉरेस्ट में एकदम गायब हो जाते हैं। तो डेमी गॉड गायब हो जाते हैं, जिसमें जो जिसका जो किरदार शिवा के फादर निभा रहे थे वो भी गायब हो जाते हैं। शिवा खड़ा हुआ देख रहा होता है, कुछ समझ नहीं पाता है क्या होता है। स्टोरी आगे बढ़ती है, जो राजा के वंशज थे तो उन्हीं में एक वंशज और आ जाते हैं जिन्हें लैंडलॉर्ड कहा जाता है। तो वो लैंडलॉर्ड गांव वालों को ये संतुष्टि दिखाता है कि मैं उनके साथ हूँ, काफ़ी चीज़ें उनको बताता है, तो गांव वाले भी ये समझते हैं हाँ ये हमारे साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टोरी बढ़ती रहती है काफ़ी, आप जब इस स्टोरी को देखेंगे ना आप फैन हो जाएंगे, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको बस थोड़ी थोड़ी हिंट देना चाहूँगा, काफ़ी स्टोरी मैं ही बता दूंगा तो आपको देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। काफ़ी स्टोरी आगे बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में अब क्या होता है, लैंडलॉर्ड के भी मन में यही होता है कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, मगर गांव वालों को इसकी कोई भनक नहीं होती है। गांव वाले पढ़े लिखे भी बहुत कम होते हैं और राजा जो होता है उस टाइम के वंशज का, वो गलती से क्या मतलब गांव वालों को बेवकूफ़ बना के कागज़ों पे अंगूठे के निशान लगवा लेता है। और शिवा जो करेक्टर है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो शिवा किरदार है वो ऋषभ शेट्टी है जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग करी है बहुत काबिले तारीफ़ है, मैं ऐसी एक्टिंग को सलाम करता हूँ और मैं काफ़ी उनके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत उमदा एक्टिंग करी है उन्होंने। तो शिवा जो होते हैं वो लैमिगोर जो लैंडलॉर्ड होते हैं तो वो उनके साथ ही रहता है, मतलब उनका काफ़ी सपोर्ट करता है, मगर लैंडलॉर्ड उसका नाजायज फ़ायदा उठाता है। इसी चक्कर में क्या होता है, वो लैंडलॉर्ड शिवा को किसी तरीके से जेल भिजवा देता है। काफ़ी अनप्रोक्टेडली स्टोरी हो जाती है, काफ़ी मनोरंजन हो जाती है। मैं आपको लास्ट वाली चीज़ बताना चाहूँगा, जब लास्ट के जो 20 मिनट्स मूवी के जो होते हैं, अगर आप उस 20 मिनट्स को अगर आप देख लेते हैं ना, तो ये समझ लेना गाइस के ऐसी मूवी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी, ऐसी स्टोरी ऐसा म्यूजिक लाइनअप जो आपके दिल में समा जाए। तो आई होप आपको स्टोरी में से कुछ समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है मेरी मूवी के बारे में जो मैंने आपको बताया, सॉरी तो उस जिस मूवी के बारे में बताया है मैंने आपको कन्नड़ की, तो ये काफ़ी काबिले तारीफ मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। जब ये हिंदी वर्जन में भी आने वाली है तो काफ़ी लोगों को ये पसंद आने बोले, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो मैं और अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ और आपकी नॉलेज को बढ़ाता रहूँ। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।